दुर्ग जिले के प्रतिष्ठित बिल्डर एवं डेवलपर्स के एस चौहान ने उतार चढ़ाव के इस दौर में अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सुरक्षित बनाए विषय पर ग्रैंड एशिया न्यूज से खास चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो निश्चित ही प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। पेश है के एस चौहान से हुई खास चर्चा। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं के एस चौहान जी। ये तो इनकी अपनी कई सारी पहचान है, जिनमें से एक पहचान इनकी कुशल व्यवसाय के रूप में भी है। व्यवसाय की अगर बात करें तो ये भू व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपने व्यवसाय को इन्होंने प्रदेश के अलावा दिगर राज्य में भी बहुत अच्छा बन पाया है। वहाँ पर भी अपनी साख इस प्रॉपर्टी और इस भू व्यवसाय को लेकर छोड़ी है। तो सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आपसे चर्चा करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर। तो प्रॉपर्टी की माने हम तो व्यवसाय, इसको लेकर कई तरह की रहस्यमय बातें हैं, कई तरह के विवाद भी हैं। एक सरल रास्ता जाता है और एक गलत रास्ता जाता है व्यवसाय को लेकर के, और इस रहस्यमय रास्ते को बहुत कम लोग कुशल पूर्वक अच्छे रास्ते को अपना कर प्राप्त करते हैं। तो दो शब्द इस पे बोले, फिर हम प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी व्यवसाय होता है उसका एक नेचर होता है और उस नेचर को समझना ही उसका सरलीकरण होता है। हम किसी भी चीज को कठिन से सरल बनाने का एक ही उपाय होता है और वो उपाय होता है उस चीज को सीखना। जैसे ही आप सीख जाते हैं वैसे ही वो चीज सरल हो जाती है। तो आज के जमाने में प्रॉपर्टी का क्रेज किस तरह का है और लोग इसको कितना अपनाते हैं, आत्मसात करते हैं, बताएं। शाहिन जी, हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो व्यवसाय किया जाता है, जो लोग संलग्न होते हैं कृषि में। लगभग 65% लोग पूरे वर्ल्ड में कृषि में जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा या नहीं होगा मेरे ख्याल से कि सेकंड जो इन्वॉल्वमेंट है वो प्रॉपर्टी का है। सेकंड नंबर में प्रॉपर्टी ही आती है। प्रॉपर्टी से जितने लोग रिलेटेड हैं वो सेकंड नंबर का है, और थर्ड नंबर जो आता है वो आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से फिर उसके बाद थर्ड नंबर का जो व्यवसाय है वो ट्रांसपोर्ट का है। ट्रांसपोर्ट में जितने लोग फिर संलग्न होते हैं वो उसके बाद आता है जी। तो क्या होता है कि और पृथ्वी में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसका एप्रिसिएशन होता है और वो है जमीन। बाकी सभी चीजों का डेप्रिसिएशन होता है, मतलब रहास होता है, और इसका मुद्रा स्फीति जो होती है उससे ज्यादा जो कीमतें बढ़ती हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी की बढ़ सकती हैं और किसी भी चीज की नहीं बढ़ सकती। जैसे प्रॉपर्टी की हम बात करें तो लोग अपनी पूंजी या उनके जमा पैसे होते हैं किसी ऐसी जगह पे खर्च करना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह पे लगाना चाहते हैं जो उनको या तो फायदा कराए या उनके लिए ये भविष्य में कारगर साबित हो। तो अपने जो पूंजी है, अपने पैसे हैं, वो किस तरह प्रॉपर्टी में लगाने चाहिए? देखिए, तीन प्रकार की हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो हम लोग अपना जो काम करते हैं वो अलग करते हैं, लेकिन जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कि आप ब्याज में दे देते हैं, ब्याज में मतलब इन द सेंस की इंटरेस्ट पे दे देते हैं, एफडी करा देते हैं, बॉन्ड करा देते हैं, और दूसरी और चीजें जो आती हैं बैंकों में वो ले लेते हैं। तो ये एक प्रकार होता है। दूसरा प्रकार होता है गोल्ड लेना, और तीसरा प्रकार होता है प्रॉपर्टी लेना। तो इसमें सबसे कम आपको मिलेगा, फायदा कम मिलेगा, लेकिन इसमें तरलता रहती है। जैसे आप एफडी करते हैं, इंटरेस्ट पे लेते हैं या बॉन्ड्स लेते हैं, उसमें तरलता रहती है कि कभी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें फायदा बहुत कम मिलेगा। फायदा आप बोले तो फायदा नहीं, नुकसान होता है एक्चुअल में। जितना मुद्रा स्फीति बढ़ती है, मुद्रा स्फीति जितना रुपए की कीमत घट रही है ना, उससे भी कम आपको पैसा रिटर्न में मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि आज 1 किलो आप आलू लेके आए, वो 5 रुपए का मिलेगा मान लीजिए, और 5 साल के बाद वही आलू 10 रुपए का मिलेगा 1 किलो। लेकिन आप अगर एफडी में डालेंगे तो 5 रुपए अगर एफडी में डालेंगे तो वो 5 साल के बाद 8 रुपए होगा,
इसका मतलब ये हुआ है कि आप 5 साल के बाद वो वाला पैसा निकाल के 1 किलो आलू भी नहीं खरीद सकते। मुद्रा की दर कम हो जाती है और हमारे को उल्टा घाटा होता है, इसलिए एफडीज वगैरह ये वो मतलब बहुत ही ज्यादा वो फायदेमंद नहीं रहता है और अल्टीमेटली उसमें नुकसान होता है। लेकिन थोड़ा सिक्योरिटी है और इस टाइप से चीजें हैं, और कल को अगर बैंक अगर ड्रॉप भी हो जाता है या कंगाल हो जाता है तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए का ही एश्योरेंस है कि आपको मिल पाएगा, बाकी सब एफडी आपकी डूब जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी है जी। बाकी सेकंड आ जाती है गोल्ड पे, गोल्ड बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितना कि आप, लेकिन एफडी वगैरह से ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी में आएंगे तो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा बढ़ती है, इसीलिए प्रॉपर्टी सबसे उत्तम इन्वेस्टमेंट होता है। तो बीच में बोलना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा फायदा कैसे कमाया जा सकता है? इसमें ज्यादा फायदा है, देखिए ऐसा करते हैं लोग हमेशा करते हैं कि जो उनकी कैपेसिटी रहती है, जैसे आपकी कैपेसिटी है 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप 10 लाख रुपए जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस जगह में करते हैं जहां पर आप रह रहे हैं, जगह जो देख रहे हैं वहां पर जगह ज्यादा पर स्क्वायर फीट में है उस जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां एकड़ में होती है, वो उस जगह कर देते हैं जहां पर बहुत सस्ती जमीन मिलती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सस्ती जमीन, बहुत ज्यादा सस्ती जमीन में मत जाएं, आप डेवलपिंग स्टेज जो है उसमें जाएं। जैसे मान लीजिए डेवलपिंग स्टेज है, जैसे हम दुर्ग में रहते हैं, दुर्ग में रहेंगे आप तो दुर्ग से आप जैसे जीवरा सिरसा है, चिखली है, वो डेवलपिंग एरिया है, उस साइड आप लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप और 20-25 किलोमीटर और दूर ले लेते हैं दुर्ग से तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनको अभी समय लगेगा वो डेवलप होने में, आपको उसका फायदा मिलेगा लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म के बाद। लेकिन यहां पर अगर आप लेते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिल जाएगा, जल्दी फायदा मिलेगा। और एक गलती क्या करते हैं हम लोग कि जमीन कम लेते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर देते हैं। जैसे अपन ने 1000 स्क्वायर फीट या 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया, अब उसमें डबल मंजिल तीन मंजिल बना देते हैं, उसमें हम लोग 2000-2500 का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं स्क्वायर फीट का, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी जितना पैसा लगा हुआ है उससे ज्यादा फायदा वो उसमें होगा कि आप प्लॉट सही से अगर ज्यादा लें और उसमें कंस्ट्रक्शन भले कम कराएं, भले 500 स्क्वायर फीट कम कराएंगे, 700 स्क्वायर फीट कम कराएंगे, तो आप आगे चल के देखेंगे कि 5 साल के बाद 7 साल के बाद उस प्रॉपर्टी का जिसमें जमीन ज्यादा है और कंस्ट्रक्शन कम है उसकी ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी और इसकी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि भवन जो होता है ना, भवन आप लैंड को अलग रखिए और भवन को अलग रखिए, जो भवन होता है उसका डेप्रिसिएशन होता है, और एप्रिसिएशन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ जमीन का। कोई दूसरा खरीदने आएगा तो वो अपने हिसाब से बनाएगा, उसको जमीन से मतलब रहता है उस समय, उसको बहुत ज्यादा भवन से मतलब नहीं रहता है। भवन लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है, लगातार उसकी वैल्यू घट रही है, जमीन की वैल्यू बढ़ रही है। तो जमीन जिसमें ज्यादा हो वो हमको करना चाहिए, उसमें कंस्ट्रक्शन कम हो, कंस्ट्रक्शन आपको जितना भी कराना है लेकिन जमीन उससे ज्यादा हो तो उसमें आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। हम करते उल्टा है। अगर जमीन की बात करें तो जमीन को लेकर कई ऐसे मामले विवादास्पद भी होते हैं कि एक ही जमीन कई लोगों के सर मर दी जाती है, कई ऐसे बेवकूफ भी बन जाते हैं और कई ऐसे इस भंवर में फंस जाते हैं कि वो निकलने का रास्ता ही नहीं होता जी। तो वो कैसे सजग रहे, वो कैसे जाने कि अगर वो प्रॉपर्टी जिसे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भरपूर उनकी हो, पूरे कागजात सही, पूरे पेपर सही उनकी है जी। आमतौर पर देखा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका शहीन जी, और हम कई भाई बहनों को देखते हैं कि इस टाइप की चीजों में फंस जाते हैं आगे चल के ऐसा लगता है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है उसका कि कोई भी डील करें आप तो अपने से जान पहचान वालों से करें, अपने से अप्रोच जहां रख सकते हैं वहीं पर करें। मान लीजिए कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर ना रह के आप कहीं और
10 किलोमीटर दूर आप लेना चाहते हैं या 50 किलोमीटर दूर रहना लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो वहां पर आपका कोई पहले से अप्रोच होनी चाहिए, वहां से पहले से कोई लिंक होना चाहिए या यहाँ का आदमी का कोई लिंक होना चाहिए उससे। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त है आपका, उसकी अगर प्रॉपर्टी है दूसरी जगह वो ले लीजिए, लिंक जरूर होना चाहिए। अगर लिंक होगा तो वहां पर आपको धोखाधड़ी की जो संभावनाएं हैं वो कम होगी। जहां पर लिंक नहीं होगा वहां पर दो चीजें होंगी, या तो आपको वो जो प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा महंगे में मिलेगी तो आपको मतलब आप फ्रॉड में फंस गए, या आपको बहुत ज्यादा सस्ते में मिलेगी। वो दोनों चीजें अपने को नहीं करनी है, हमको सही कीमत में ही लेनी है प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर कम कीमत में भी मिल रही है तो इसका आप बिल्कुल मान के चलिए कि आप वहां पर जाके आगे फंसेंगे। तब वही मैंने बताया, फंसाएगा कौन? जो आपसे रिलेटेड नहीं है, जो आपसे लिंक्ड नहीं है। आप अगर लिंक होते हैं किसी भी चीज से, या आपके जैसे मोहल्ले में है कोई प्रॉपर्टी है तो आप ऑटोमेटिकली लिंक है, आपके शहर में कोई प्रॉपर्टी है तो आप लिंक है, या आप किसी दलाल के थ्रू ले रहे हैं जो कि आप पहले से उसको जानते हैं वो लिंक्ड है, या कोई दोस्त यार आपका जानता है वो लिंक्ड है। लिंक करना के बाद आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और उसे उसका पेपर जरूर चेक करवाइए अपने कोई लिंक वाले एक्सपर्ट से। उसका पेपर चेक करवाएंगे, सिर्फ एक ही चीज, दो ही चीज होती है, एक उसका कब्जा वहां पर जाके जरूर देखिए और दूसरा पेपर उसका जरूर चेक करवाइए, और दोनों चीज जो है वो पटवारी के रिकॉर्ड में होती है ये सब चीजें, वहां पर बिल्कुल जाके चेक करवाइए और लिंक वाले लोगों से ही सौदा करिए, भले वो दो पैसे ज्यादा लेगा लेकिन आपसे कम रहती है, बिल्कुल कम रहेगी। जहां पर लिंक होगी, जहां पर अप्रोच होगा आपका, वहां पर बिल्कुल आपकी जो डूबत की संभावना है बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल कम नगण्य हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया ना लोग करोड़ों रुपए इसमें फंसा कर बैठे रहते हैं और उनका हाथ तक कुछ। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, अगर उनका पैसा डूबा है तो मैं निश्चित तौर पर बोल सकता हूँ कि वो अननोन होगा कोई व्यक्ति, या अननोन प्रॉपर्टी होगी, या अननोन मतलब आप जिसको जानते ही नहीं होंगे उस जगह से खरीद रहे होंगे, उस जूस से खरीद रहे होंगे जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं। ऐसे ऐसे करने से बिल्कुल फ्रॉड होने की चांसेस होते हैं, या हम ज्यादा कीमत पे ले लेते हैं, ऐसे भी चांसेस होते हैं। आप एक कुशल बिल्डर हैं, प्रदेश के अपने जिले और प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आपके कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, एक कुशल बिल्डर क्या चाहता है जब बिल्डिंग निर्माण हो तो कैसी गुणवत्ता उसकी होना चाहिए? आप खुद बिल्डर हैं और हर किसी की जो बिल्डिंग है एक अच्छे साख पर खड़ी होती है, मजबूती चाहती है, प्योरनेस चाहती है, तो एक बिल्डर होने के नाते आप किस तरह की मजबूती भवन निर्माण या फिर बिल्डिंग निर्माण में पारदर्शिता बरतते हैं? सपना होता है किसी का भी घर जो होता है वो उसका सपना होता है, और कोई भी इस व्यवसाय से जो जुड़ा है उसको बहुत संजीदगी से रहना पड़ता है कि उसके सपनों के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर कोई उसके सपनों के साथ खिलवाड़ करता है, ये बहुत बड़ा सपना होता है किसी भी आम आदमी का, हमारा भी है, आपका भी होगा, सबका होता है, एक सपना होता है अपना घर, उसके साथ खिलवाड़ ना हो। और हाँ, जैसी कीमत होती है उसके हिसाब से ही एमिनिटीज दी जाती है, जैसी ही दाम होता है वैसे ही काम होता है, हर परिस्थिति के हिसाब से आपको वही चीज मिलेगी जो चीज जिसका आप पैसा पटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से, और सभी चीजें पहले ही क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉपर्टी के अलावा कई ऐसे झांसे देने वाले होते हैं कि रुपए दोगुना करने का जो लालच देते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में लोग अक्सर शिकार हो जाते हैं कि रुपए दुगना करने का लालच देकर कंपनी फ्रॉड करके निकल ली और उनके पैसे ही डूब गए। मैं पहले बताया आपको, कोई भी चीज आप करें तो पेपर के साथ ही करें, पेपर वर्क। हाँ, पेपर वर्क। और दूसरा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बता रहा हूँ, पेपर वर्क जरूर करें, दूसरा फिजिकल चीज वहां पर जरूर देख के आए कि वहां पर उसका कब्जा है कि नहीं।
आपको कोई ब्रोशर में दिखा रहा है, कोई पेपर में दिखा रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, आप मेरे को पैसे दे दो और आपको मैं लिख के दे देता हूं, तो वो लिख के दे देगा, चलो फ्रॉड फ्रॉड हो जाएगा, वहां पर उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। अब कोई आपको सिर्फ प्लॉट दिखा देगा कि ये प्लॉट है मेरा, और वहां पर से आप मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको बाद में पेपर भी नहीं बनाता है वो, तो पेपर बनाना भी जरूरी है और फिजिकली देखना भी जरूरी है, और साथ में जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बोल रहा हूं, आप फ्रॉड से बच सकते हैं, किसी भी फ्रॉड से बच सकते हैं, अगर आप कोई लिंक वाले आदमी को, किसी लिंक वाले शख्स को, किसी लिंक वाली संस्था को अगर बीच में रखते हैं तो आपके फ्रॉड में बचने के बच जाते हैं। और इस टाइप की जो स्कीम्स होती हैं कि जो डबल देने वाली पैसा होती है, जो व्यवहारिकता से बहुत ज्यादा आपको पैसा दे रही है, उन सब चीजों से बिल्कुल 100% बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वो उससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकती है, किसी भी कीमत पे नहीं दे सकती। आप एक कुशल भू व्यवसायी हैं और इन दिनों धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग चल रही है और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, अपनी रकम लगाने के लिए उसमें लगाए जा रहे हैं पैसा, तो कैसे अवैध प्लॉटिंग से बचें, जबकि उनको जो दिखा कर बेचा जाता है, जो समझा कर बेचा जाता है, ना तो वैध होता है और ना ही उनको मालूम होता है कि उनको मिल पाएगा, उसे कैसे सजग रहे, कैसे बचें और कोई रास्ता बचता है उसे बाहर निकलने का? दो चीज है कि एक तो आप जो भी प्लॉट ले वो डाइवर्टेड ले, और रेरा आजकल अगर वो बना के देने वाले हैं तो वो रेरा और कॉलोनाइजर में भी रेरा एक नंबर आता है, वो रेरा नंबर जरूर चेक करें। दो ही चीजें, एक डाइवर्टेड प्लॉट ले और वो रेरा नंबर चेक करें। दूसरा, अगर आप फिर भी आप फंस जाते हैं तो उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं, और अगर आपके पास ये जो कोई कागज पत्र होता है उस पर बिल्कुल 100%, और उपभोक्ता फोरम में ज्यादा जो सुनवाई होती है वो उपभोक्ता लोगों की होती है, सिक्योर मतलब सिक्योरिटी वो उपभोक्ताओं की ज्यादा रहती है, तो आप इस चीज से बिल्कुल बचा जा सकता है। आपको डाइवर्टेड प्लॉट ही लेना है। अगर आप एक नॉर्मल बायर्स हैं, आप पहली बार खरीद रहे हैं या दूसरी बार खरीद रहे हैं या एक नवजात शिशु भी हैं, तो भी आपको अगर डाइवर्टेड प्लॉट लेते हैं आप, तो आपसे धोखाधड़ी कोई भी नहीं कर सकता, नहीं ठगाएगा, बिल्कुल नहीं ठगाएगा। और अगर मान लीजिए होता है तो उपभोक्ता फोरम खुला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उपभोक्ताओं की सुनवाई होती है वहां पर और जल्दी, आजकल जल्दी डिसीजन भी होते हैं। लेकिन बावजूद इसके सर, भिलाई दुर्ग में अभी भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि इसकी टोपी उसके सर लगातार वो किए जा रहे हैं। कई नजारे ऐसे टाउनशिप क्षेत्र के अलावा जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। और अभी आपने कृषि को लेकर के जो बात कही थी, एक नंबर प्रॉपर्टी में कृषि है, तो कृषि वाली भूमि को ही अवैध प्लॉटिंग करके लोग बेच रहे हैं, तो क्या ये दो नंबर का जो बिजनेस है प्रॉपर्टी वाला, वो एक नंबर वाली कृषि पे भारी पड़ेगा? छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, कृषि के लिए पहचाना जाता है, तो क्या कृषि वाली भूमि प्लॉटिंग के भेंट चढ़ जाएगी? नहीं नहीं, कृषि जैसे कृषि जो भी हो रही है अभी, और एक आधुनिकता और आ रही है कृषि में कि जो पहले 10 एकड़ में जो फसल होती थी वो आज 7 एकड़ में हम लोग ले रहे हैं आधुनिकता के हिसाब से। तो कृषि जो है, वो कृषि अगर वो कम भी होती है और उसका प्लॉटिंग होता है तो उसका फार्मर्स को ही लाभ मिलता है, क्योंकि जो एकड़ के हिसाब से है वो प्लॉट के हिसाब से बिकेगी और प्लॉट के हिसाब से उनको और ज्यादा मार्जिन होगी। तो और वो आधुनिकता इसमें लाके, कृषि के क्षेत्र में लाके वो अपनी फसल भी बहुत ज्यादा ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वो रिहायशी इलाकों में आ जाती है वो जमीन, तो फार्मर्स को उल्टा घाटा होता है। मान लीजिए कि 5 एकड़ उसकी जमीन है और उसको जमीन वो जितनी फसल ले रहा है और जितनी उसकी कीमत है, मान लीजिए उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए हो गई है 5 एकड़ की, तो अगर वो मान लीजिए कि उसको बेच के आगे वो 10 एकड़ ले सकता है 1 करोड़ में, 10 एकड़ ले सकता है, और उस 5 एकड़ की जो उसको कृषि करना है वो 10 एकड़ में कर सकता है। उसको स्थानांतरण करना पड़ेगा। अगर वो स्थानांतरण करता है
तो इसमें बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है और उसको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। समय के अनुसार उसको अपने व्यवसाय का स्थान बदल देना चाहिए और कृषि आप कहीं भी कर सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी प्रॉपर्टी को लेकर, तीनों स्टेज आपने बताया, पहले दूसरे और तीसरे, दूसरे को बेटर भी बताया कि इसमें इन्वेस्ट करने से भविष्य में अपने को आवक ही मिलेगी, ऐसा नहीं कि नुकसान। सबसे उत्तम इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी का सबसे उत्तम इन्वेस्टमेंट, और दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टी में। तो आप 5 या 10% आप कमा सकते हैं, 20% कमा सकते हैं सालाना, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप 1000% कमा सकते हैं एक साल में, एक महीने में भी कमा सकते हैं, एक दिन में भी कमा सकते हैं। कौन सा है? वो इन्वेस्टमेंट है नॉलेज लेने का इन्वेस्टमेंट। अगर आप नॉलेज लेते हैं, अगर आप शिक्षा में लगाते हैं वो पैसा, तो निश्चित ही रूप से वो आपको ऐसा नॉलेज देगा, आप किसी चीज को सीखने में लगाते हैं तो निश्चित ही रूप से वो आपको कमाई बहुत ज्यादा देगा। 1000% भी दे सकता है, 1,00,000% भी दे सकता है। मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपए में किसी चीज लगा के आप सीख रहे हैं, तो उस 1,00,000 रुपए के जरिए आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और अपने बच्चों को कुछ सिखाने में जरूर इन्वेस्टमेंट कराइए, कुछ सीखने और सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। आप खुद भी सीखिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, और उसमें आपको निश्चित रूप से उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, काफी सारी जानकारियां दी, लोगों को अलर्ट भी किया और एक टिप्स भी दिए कि कैसे अपना व्यवसाय फले फुलाए। आपको बहुत बहुत तो ये थे हमारे साथ केएस चौहान जी, भू व्यवसायी और साथ ही एक बिल्डर। इन्होंने बताया कि किसी के सपनों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। एक कुशल बिल्डर होने के नाते इन्होंने बताया कि अपनी बिल्डिंग, जो एक घर, जो सपना होता है, उसको बनाते समय किस तरह का उपयोग और उपकरण हो या फिर गुणवत्ता उपयोग में लाना चाहिए ताकि सपने जो है सबके साकार रहें। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात ये कही कि सपनों से नहीं खेलना चाहिए। चौहान सर ने जो जो जानकारियां हमें दी, निश्चित ही ये सभी के काम आएगी, सभी अलर्ट रहेंगे, सजग रहेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। नमस्कार।